हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न मोर फॉरएवर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसा सुपर ट्रिक सीखने जा रहे हैं जिसको सीखकर आप अपने ऑफिस में एक स्मार्ट एम्प्लॉय बन सकते हो दोस्तों। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने पीसी को स्मार्ट तरीके से शट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस ट्रिक को सीख जाओगे तो आपके मुंह से निकलेगा, वाओ दैट्स सुपर ट्रिक फॉर शट डाउन एनी पीसी। और ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो और एक स्मार्ट एम्प्लॉय बनना चाहते हो। तो ये वीडियो उनके लिए है दोस्तों, मस्ट वॉच फॉर कंप्यूटर स्टूडेंट्स फॉर स्मार्ट वर्क इन योर ऑफिस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो ट्रिक है वो हमारे पास है ट्रेडिशनल तरीका। जो ट्रेडिशनल में आप लोग कैसे करते हो, जैसे किसी पीसी को शट डाउन करना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या होता है, एक ऑप्शन ओपन होकर आता है। जैसे ये आपके सामने ऑप्शन आ गया शट डाउन का। ये हो गया पहला तरीका जो आप सिंपल सभी लोग करते होंगे, यहाँ पर शट डाउन करते हैं तो क्या हो जाता है, ये शट डाउन हो जाता है। ये हो गया पहला तरीका। तो दोस्तों इसको हम पहले सबसे पहले इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर स्टार्ट बटन है दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कीजिए जैसा कि मैंने अभी आपको स्लाइड में दिखाया था। और यहाँ पर होता है पावर ऑफ का, एक आपके पास आइकन दिखेगा, जैसे आप इस पावर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, ये शट डाउन का। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये शट डाउन हो जाएगा। ये तो आपका ट्रेडिशनल तरीका जो आप पहले से करते आ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अब सेकेंड ट्रिक को सीखते हैं। सेकेंड ट्रिक में क्या है दोस्तों, आपको अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस F4 बटन एक साथ प्रेस करना है। जैसे आप ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो आपके सामने दोस्तों ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ शट डाउन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर ओके करेंगे तो क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बहुत सारे ऑप्शन और भी मिलते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पे कि जैसे यहाँ पर जैसे एरो पर आपने क्लिक किया तो रीस्टार्ट का भी है, शट डाउन का भी है, स्लीप का भी है, साइन आउट का, स्विच यूजर भी होता है। स्विच यूजर का मतलब होता है दूसरे यूजर्स के हमें क्या करना, कनेक्ट करना है। साइन आउट हम कर सकते हैं यानी दूसरे हमें लॉग इन करना है। तो ये हो गया सेकेंड तरीका जो आप यहाँ से इसको शट डाउन कर सकते हो। यानी आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड बटन से ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करना है और यहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन आएगा, इसको ओके कीजिए तो आपके शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये दो तरीके हो गए दोस्तों। अब चलते हैं थर्ड तरीके की तरफ। थर्ड में क्या है कि आप सभी को पता है कि जैसे आप एक्सेल ओपन करते हो तो विंडो प्लस R प्रेस करते हो तो यहाँ पर देखिए रन का कमांड आ जाता है, यानी रन का एक पॉपअप विंडो आ जाता है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ शट डाउन -S -T और 60 सेकेंड। यहाँ पर क्या है कि मुझे यहाँ पर शट डाउन करना है, 60 सेकेंड में क्या हो जाइए, शट डाउन हो जाए। तो आप यहाँ पर इसको शट डाउन कर सकते हो। तो मैं आपको इसका डेमो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग गए विंडो और यहाँ पर प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर करना है शट डाउन लिखना, इस तरह से लिखना है शट डाउन, मैंने यहाँ पर लिख रखा है पहले ही। तो आपको यहाँ पर याद ध्यान रखना, आपको 60 सेकेंड तक ही आपको यहाँ पर मतलब 60 सेकेंड के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मुझे 5 मिनट के बाद इसको शट डाउन कर देना, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकेंड से। तो मैं यहाँ पर अभी तुरंत बंद नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 500 सेकेंड और इसको ओके कर दीजिए। जैसे 500 सेकेंड होगा तो आपको देखिए यहाँ पर देखिए मैसेज लिख के आ गया, योर अवार्ड टू साइन आउट विंडोज विल बी शट डाउन इन 10 मिनट्स। आपका जो विंडो है वो 8 मिनट में क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। यहाँ पर आज का डेट भी लिखा हुआ है, टाइमिंग भी लिखा हुआ है, तो इस ऐसा आपके साथ मैसेज आ जाएगा। तो बस ध्यान क्या रखना है कि आपको सेकेंड पे ध्यान देना है। अगर आपको 10 मिनट का करना है तो आपको 600 सेकेंड का करना है, 1 मिनट करना है तो 60 सेकेंड करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड तरीका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ तरीका क्या आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, इससे मैं यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने बटन आ जाएगा। जैसे हम कैसे कोई दुकान खोलते हैं, शटर अप करते हैं, शटर डाउन करते हैं, तो अगर आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्लाइड टू शट डाउन योर पीसी, अगर आप इसको यहाँ पर स्लाइड ऐसे कर देते हो तो क्या हो जाएगा, वो आपका ये शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि होता कैसे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, आपको यहाँ मिलेगा न्यू का बटन मिलेगा, न्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों शॉर्टकट है, ये आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए ही है, यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, न्यू पर गए और यहाँ पर हमने क्या किया, शॉर्टकट पे गए हम लोग, शॉर्टकट पे जाना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ एक कोडिंग लिखना होगा दोस्तों। तो कोडिंग क्या है इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, परसेंटेज का साइन लिखना है, फिर लिखना है विंड
आईआर, मतलब विंडो आईआर लिखना है, फिर परसेंटेज का साइन लगाना है, फिर क्या करना है दोस्तों, आपको लिखना है स्लैश, जो आपके कीबोर्ड में होता है स्लैश का बटन, इसको क्लिक कीजिए, और आपको यहाँ लिखना है सिस्टम 32, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर है तो सिस्टम 32 लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, इसको स्लैश लगाना है और इसको करना है स्लाइड टू शट डाउन। ठीक, यहाँ पर देखिए आ गया ऑप्शन, ये देखिए है, ये आपका कोडिंग हो गया विंडो आर सिस्टम 32। आपके पता है सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है 32 बिट का होता है, एक होता है 64 बिट का होता है। तो बस इसको आप यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए, तो ये आपका कोडिंग है, बस इसको ध्यान रखना है। और सिंपल सा प्रोसेस क्या करना है, इसको नेक्स्ट कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, इसे फिर से आप देख लीजिए, उसको आपको नेक्स्ट करना था, उसको नेम भी देना था। यहाँ पर देखिए आपने, आप यहाँ पर देखिए शट डाउन यहाँ पर लग गया, देखिए लिखा हुआ है स्लाइड टू शट डाउन, यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर करना क्या, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, तो आप इसका क्या कर सकते हो, इसका आइकन को चेंज कर सकते हो, यहाँ पर चेंज आइकन का होगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज आइकन पे जाइए, आप कोई भी आइकन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एक ओके कीजिए और यहाँ पर ओके कीजिए, तो देखिए यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है। अब जब भी कभी आपको शटडाउन करना है पीसी, तो क्या करेंगे, इस पे दो बार से क्लिक करेंगे तो अपने आप ये शटर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप शटर को नीचे कर देते हो तो आपका पीसी शटडाउन हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, उम्मीद है आप लोग इसको सीखोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।